भाषा विवाद को लेकर एक बार फिर से कोडरमा विधायक और राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव ने हेमंत सरकार पर पलटवार किया है। नीरा यादव ने कहा कि जब से यह सरकार आई है तब से अलग अलग विवाद गहराता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब हिंदुस्तान में हिंदी बोलने पर भी मनाही हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भाषा विवाद में भाजपा नेताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार में खाली पड़े 12वें मंत्री पद पर तंज कसते हुए नीरा यादव ने कहा कि सरकार में शामिल मंत्री सिर्फ लूट खसोट में लगे हुए हैं और इसलिए 2 साल बाद भी 12वें मंत्री का पद खाली रखा गया है। उन्होंने कहा कि जो विकास के कार्य 5 सालों के रघुवर सरकार में हुआ, हेमंत सरकार के शासन काल में झारखंड में 20 साल पीछे चला गया है। ये सरकार जब से आई है आप देखे होंगे कि नए नए विवादों में पड़ती चली गई है और ये भाषा विवाद भी उसी का एक अंग है। और हमें लगता है कि हम हिंदुस्तान में हैं बल्कि हिंदी हमारा अधिकार नहीं है, इस ढंग से कार्य हो रहा है और कहीं न कहीं हमारी बोलचाल की भाषा हर एक जगह में हिंदी बोली जाती है, लेकिन हिंदी को ही हटा देना, उसके बाद अन्य कई प्रकार की भाषाओं को आप देख रहे हैं, रोज विवाद हो रहा है। कभी हमारे आदरणीय जो डॉक्टर रविंद्र कुमार राय जी हैं, कभी उनके गाड़ियों को तोड़ दिया जाता है, कभी उन पे हमले होते हैं, कभी हमारे जो पूर्व विधायक हैं उन पे हमले होते हैं। तो फिर आप देख रहे होंगे कि 2 साल कंप्लीट हो गया परंतु ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी उन्नति करने में लगी हुई है। बुलेटिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।